दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राही, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मनोहना गांव में हूँ, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब इस गांव में मेरा आना हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा मैंने देखी, मैंने लोगों से कहा कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है तो क्या यहाँ कैडर हो सकता है। लोगों ने बताया कि राही जी कैडर हो जाएगा, यहाँ मानने वाले भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो लोगों ने बताया कि राही जी यहाँ कैडर हो जाएगा और बाबा साहब को मानने वाले लोग भी यहाँ हैं। तो हमने कहा कि इतिहास की भी ज़रूरत पड़ रही है मुझे खोजने की, तो बोले इतिहास भी आपको बता दिया जाएगा। तो हमारे बीच में समस्त ग्रामवासी खड़े हुए हैं और हमारे बीच माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सद्दे परम पूज्य विनोद आचार्य जी बंटे जी हैं, जिन्होंने शायद अपने जनपद जालौन में नहीं अन्य जिलाओं में भ्रमण करके तथागत बौद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार मिशन का काम करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया, आज हमारे बीच में हैं। तो भंते जी, सबसे पहले आपको मैं बदनामी करता हूँ और सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं पूछने की ज़रूरत है और मुझे पता है, मैं अच्छे से अच्छे लोगों को खोज भी रहा हूँ। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो, नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। मैं ऐसे लोगों को खोजने में लगा हूँ। तो आज हमारे बीच में पूज्य भंती जी हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि भंते जी, यहाँ जो प्रतिमा लगी है तो प्रतिमा के बारे में बता दीजिएगा, कब आपके यहाँ प्रतिमा स्थापित हुई है और कैसे हुई है? इसका प्रपोजल तो 84 में रखा गया, गांव के सभी लोगों का सहयोग रहा, सभी लोग एकत्रित हुए और 1988 में इस मूर्ति को बन के यहाँ पर एक बहुत अच्छे स्वयं कारीगर थे जो परिनिर्वृत्त हो गए हैं, श्रद्धेय बलदेव भारती जी, उन्होंने अपने कर कमलों से इसका स्वयं अपने हाथ से इसका निर्माण किया है और गांव के सभी सहयोग से यहाँ पर इसका इस मूर्ति का स्थापित किया गया। जी जी। और यहाँ बुद्धिस्ट विचारधारा का भाई? यहाँ बुद्धिस्ट विचारधारा तो इस गांव के एक निवासी पंचम लाल बौद्ध और सुखराम दिवाकर जी वगैरह थे, तो उनके यहाँ गोरच रैया से जो श्रद्धेय दीन दिल रागी थे, उनके भतीजे की शादी 1975 संभावित है, 1975। हाँ, वो प्रथम शादी उन्होंने की थी गांव में। हाँ, उसके बाद तो अनवरत लगभग अब 100 ना कहें तो 95% शादियाँ बुद्धिस्ट कल्चर से होती है। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इतनी विचारधारा आपके यहाँ बहुत पुरानी है, तो मेरे जो युवा साथी हैं कहीं ना कहीं बदलने का काम भी कर रहे हैं और उनके अंदर विचार भी आप लोगों ने इतने अंदर तक पहुंचा दिए हैं। और यहाँ प्रत्येक वर्ष एक प्रोग्राम ऐसा होता रहता है जिससे लोगों के अंदर जागृति बहुत अच्छी आती रहती है, तो मैं क्रम से सभी को दिखाने का काम करूँगा। तो हमारे बीच यहाँ समस्त ग्रामवासी खड़े हुए हैं और मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा। हमारे बीच क्या नाम है आपका? रामकेश। तो यहाँ जो कल कैडर दिया गया आप लोगों के बीच में, उस कैडर का केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक महीने में बाबा साहब के आगे फट्टा बिछना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर विचार आए, अकेले जय भीम बोलने से और प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। और दीपंकर जी भी पास में आ जाएं, यहाँ बहुत अच्छे विचारक भी हैं। एक साइड आपका क्या नाम है?
अच्छा आपका इधर हो जाओ। तो कल कैडर में थे क्या आप? कल पता नहीं चल पाया होगा। कोई बात नहीं, सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिझौना गांव पूरे जनपद जालौन में एक वो गांव है जहां विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। दो चार लोगों से और पूछ लो, नाम ठीक रहेगा ना। हाँ। क्या नाम है आपका? सेवराम। कैसी लगी मीटिंग आपको? अच्छी लगी। अच्छा, प्रयास करेंगे कि प्रत्येक महीने में फट्टा पिसने का काम होगा। आप लोग आपका नाम? राम किशोर। आपका? आपका दीपांकर जी कहाँ चले गए? हमारे बीच में युवा साथी भी हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि कल का जो कैडर आपको कैसा लगा और क्या आपका उद्देश्य है कि प्रत्येक महीने में फट्टा बेचना चाहिए? जी बेचना चाहिए और बाबा साहब के उपदेशों को भी मानना चाहिए। जी बाबा साहब को सम्मानते, लेकिन बाबा साहब की कोई मानता नहीं है। की नहीं मानता, सही बात। उन्होंने क्या कहा है तो की पे जब ही आप पहुँचाओगे तब फट्टा बेचने का काम होगा। जी जी, प्रत्येक महीने में अगर एक तारीख डेट ऐसी रखोगे जिससे कम से कम सारे लोगों को फट्टा पे बैठाने का काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विचार आएंगे। जी जी, तो हमें लग रहा है कि सभी लोग उपस्थित होकर के एक डेट ऐसी रखेंगे जिससे कम से कम एक आपके अंदर विचार आएंगे और लोग इकट्ठे होंगे तो हमारे जो युवा साथी हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर परिवर्तन आएगा। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों ने समय दिया। मैं सबको दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना।